संभालो ये बोले अरे कवि कि गौ माता से जोड़ो नाता तुम फिर से इन्हें संभालो और है हिंदू का करम धर्म तुम एक गौ तो पालो है हिंदू का करम धर्म तुम सम्मान बढ़ाते हैं। गौ माता से प्रार्थना करूं कि हमेशा अपने चरणों से इनका प्यार सदैव बना करके रखना और हमारे रमेश कुमार जी जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं, भाई 100 रुपए से गौ माता की से रागणी का मान सम्मान करते हैं। गौ माता इनकी मनोकामना पूर्ण करे। आइए दूसरी कड़ी के माध्यम से ही बताया कि नंद बाबा ने गोकुल के में पाली कई हजार गऊ और श्री कृष्ण भगवान से गणा करती थी अब प्यार गऊ। वाह। और बता दिया कि थर दूध दही की मौज रहेगी जब तक देगी धार गऊ।
और अपने आप चरे जंगल में या करके आवे तार गऊ। अरे थरा पाएगी परिवार गऊ, थरा पाएगी परिवार गऊ, जब मर्जी दूध निकालो। और है हिंदू का धर्म कर्म, बस एक गऊ तो पालो। और दूसरी कड़ी में कवि महोदय ने इस तरह लिख दिया, और क्या बता दिया। और ये जगह जगह, और ये जगह जगह खुलरी गौशाला, जगह जगह खुलरी गौशाला। और ये दान करे नर नारी, पहली रोटी गौआ खतर, गौआ खतर, दान करो तुम जितनी शक्ति थारी। दान पुण्य ते, दान पुण्य ते मान बढ़े न्यू, कहती दुनिया सारी। अरे बूंद बूंद ते गड़ा भरे सयो, काम पुण्य का भारी। बूंद बूंद सेवा में देख के देख लो, गौ माता में इतनी शक्ति और इतनी क्षमता है, तुम्हारे एक के 100 गुना करके देगी कहीं ना कहीं। गौ माता मूल का चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके अपने हम बच्चों को देती है, ये ऐसी गौ माता है, ये किसी का खाती नहीं है। अरे ये तो आस्था देखती है कि आस्था क्या है, ये तो मान देखती है कि इसके दिल में मेरे प्रति कितना मान भाव है। 33 कोटि देवी देवता मेरे गौ माता के अंग अंग में वास करते हैं, निवास करते हैं। सजना जगह जगह खुल रही गौशाला, दान करे नर नारी की, जगह जगह खुल रही गौशाला, दान करे नर नारी। अरे गौ खातिर दान करो तुम जितनी शक्ति धारी। रुपया 10 रुपया 100 रुपया, बड़े बड़े दानवीर हमारे मंच पर विराजमान है। एक बार इन तमाम दानवीरों के लिए दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली मार दे, एक बार जोरदार। क्योंकि ऐसे ऐसे भामाशाहों के सारे गौशालाएं चल रही, इतनी बड़ी गौशाला चलाना कोई हंसी खेल नहीं है। लेकिन ये गौ भक्त, ये भामाशाह हमारे बीच में जितना हर साल दान करके जाते हैं, गौ माता ने उतना ही ऊपर की तरफ बढ़ाती है, उतना ही धनवान बनाती है। और बताया कि भाई दान पुण्य ते मान बढ़े न्यू, कहती दुनिया सारी। और भाई बूंद बूंद ते घड़ा भरे, भाई बूंद बूंद ते घड़ा भरे से काम पुण्य का भारी। जो गऊ फिरे से मारी मारी, जो गऊ दिखे तुम्हें मारी मारी, उसे गौशाला में गालो। और है हिंदू का कर्म धर्म, बस एक गऊ तुम पालो। तीसरी कली के माध्यम से हमारे जो दादा परदादा, जो हमारे पुरखे थे, वो गऊओं की सेवा कराया करते थे। और कैसे कैसे कराया करते थे, उनका जो हमारी दादी परदादी हुआ करती, उनकी गौ माताओं के प्रति की आस्था थी। आज भी मेरी कई दादी माँ यहाँ बैठी हैं, आज भी वो अपनी परंपरा पर कायम होंगी। शायद अगर कायम हो तो ताली बजा करके बता देना, सुनने के बाद क्या लिख दिया।
खोने दिया माँ का दर्जा, खोने दिया माँ का दर्जा, वही रीत निभाओ। पहली रोटी, पहली रोटी दे के कौने एक अच्छे भोजन खाओ। भूल भटक के, भूल भटक के या फिर खेत में, भूल भटक के या अपने खेत में सेवा करके तुम जीवन सफल बनाओ। गौ माता की सेवा करके जीवन सफल बनाओ। अरे प्यासी ने पानी पियो रे, प्यासी ने पानी पियो, की में चारा डालो। है हिंदू का धर्म धर्म पशु हो जाएंगे थारे। अरे घर में गऊ बंधे पछे थारे सब चीज जाके खाते रहे, अच्छी मिले खुराक खाने, अच्छी रहे खुराक खाने को भरे दूध दही के बाटे रहे। जिस घर में गोनिया गौ माता उस घर में संपत्ति पाते रहे। कैलाश चंद बन के रक्षक गौओं के हर फूल जाते रहे।